amazing. विद्यार्थी परिषद की ये यात्रा 3 तारीख से चालू हुई थी और 10 अगस्त को आज यहाँ पहुंची है। विद्यार्थी परिषद ने बेरोजगारों के सम्मान के लिए जो लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, उन पेपर आउटों को रोकने के लिए विद्यार्थी परिषद उन विद्यार्थियों के न्याय के लिए सड़क पर उतरा है। आज हमारे बहन बेटियों के बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं पूरे राजस्थान में बढ़ रही है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लगातार पेपर आउट के कारण कई युवा आत्महत्या तक कर चुके हैं। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है उन युवाओं को न्याय दो, बहन बेटियों को न्याय दो। इस न्याय यात्रा के माध्यम से राजस्थान के स्वाभिमान और शौर्य को जगाने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार चल रहे हैं। पैदल छालों में भी ये कार्यकर्ता चले हैं। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य जी भी पहुंचे हैं और लगातार ये हमारा हौसला बनाए हुए हैं। मैं भाई साहब से भी आग्रह करूंगा कि बोल आपके पीछे। आज जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर में, जो राजस्थान वीरों का प्रदेश पूरे दुनिया के अंदर में जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस जब से इस प्रदेश के अंदर में, यानी अशोक गहलोत जी जब से सरकार में आए हैं, रोटी और बेटी पूरी तरह से असुरक्षित इस प्रदेश के अंदर में है। और बेशर्मी की हद तो तब होती है जब राजस्थान सरकार के मंत्री, राजस्थान सरकार में विधायक के परिवार के लोगों ने इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया है, यानी बलात्कार किया है, और उनको अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलना कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की सरकार की दिशा के ऊपर में सवाल उठाता है। आज जिस प्रकार से पेपर लीक, नौजवानों के भविष्य के साथ खेलने वाला वारदात इस प्रदेश के अंदर में घटित हो रही है, सरकार मौन है। बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। करौली में दलित बेटी के साथ जिस प्रकार की जघन्य अपराध हुआ, जिस प्रकार से भट्टियों में आज राजस्थान की बेटियों को जलाने का प्रयास हो रहा है, सरकार सोई हुई है। सोई सरकार को जगाने के लिए और हम न्याय लेने के लिए आज जयपुर के अंदर में आए हैं, और ये जन चेतना राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को जागृत करने के लिए जन चेतना लेकर के हम लोग आज राजस्थान विश्वविद्यालय में आए हैं।